नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव वाइब्रेशन पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनके दोस्तों, हमारे फुटप्रिंट हमारे बारे में क्या इंडिकेशन देते हैं, क्या बताते हैं दोस्तों, जो कि हम जानते हैं कलर थेरेपी होती है, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी कलर थेरेपी कहते हैं। इसके माध्यम से डिफरेंट काइंड ऑफ ओरा में हम लोगों के कलर्स कैसे, एनर्जी हम लोगों की है, ऊर्जा का क्या प्रभाव है, ग्रहों का क्या प्रभाव है, इसके पीछे गहरा साइंस होता है। उसी तरीके से हमारे पैरों में भी ये सूक्ष्म स्तर के चक्र होते हैं। जैसे कि आप सबसे लोअर पार्ट अगर देखें अपने पैरों में, तो ये बेसिकली सर्वाइवल एनर्जी को डिपेंड करता है, मतलब बेसिक जो हमारी जीवन यापन करने के लिए जो मुख्य मूलभूत चीजें होती हैं उनको दर्शाता है। जैसे कि रहना खाना, आपकी जो आदतें हैं वो कैसी होंगी, फिर ऊपर सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है, आप कितनी चीजों को पसंद करते हैं, आपकी सेक्सुअल नीड कैसी है। हम आगे बढ़ते हैं ऐसे धीरे धीरे, आप जैसे सम्मान और आपकी कीर्ति, पैसा आपको कितना मिलेगा, ये सब चीजें बॉडी में जिस तरह हम लोगों के डिफाइन होता है बॉडी में, उसी तरह हमारे शरीर के एक एक पार्ट में डिफाइन होता है। इसके बारे में समुद्र शास्त्र के पीछे काफी ज्यादा गहरे सा विज्ञान है दोस्तों, उसी को डिफाइन करता है सोलेट्रोलॉजी साइंस। आज हम लोग जानने वाले हैं फुटप्रिंट, जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ आर्च होते हैं। जैसे किसी के आप देखेंगे वो काफी हाइट लिए होते हैं, बीच का पार्ट काफी छोटा होता है, और उसके बाद किसी का कम होता है, किसी का काफी ज्यादा होता है। ये हमारे जो तत्व शरीर है वो जिन पंच तत्वों से बना है उसी के आधार पर, जैसे आयुर्वेद में भी माना गया है वात पित्त कफ, अब इन्हीं का स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी में रिप्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी का ऑर्गन उसी तरह से डिफाइन होते हैं। चलिए फुटप्रिंट के बारे में आज जान लेते हैं। फुटप्रिंट बेसिकली काम कैसे करते हैं, जो सबसे नीचे मैंने बताया मूलाधार चक्र होता है, फिर ऊपर जाएंगे, देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ, यहाँ पे हम लोग तीन प्रकार के फुटप्रिंट मिलेंगे। एक आपको मिलेगा जिसमें पूरा आपको शेप मिल जाएगा, इसमें मतलब लोअर पार्ट सबसे जमीन में लगता है, तो आप देखेंगे कि ये लो आर्च जो है क्रिएट होगा, जिसमें लो आर्च होता है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें गैपिंग नहीं होती, सीधी सीधी आप फुटप्रिंट बनाएंगे, पानी में जाइए या मतलब किसी भी ऐसे चीज पैर रखिए, सूखी जमीन पर पैर रखिए, तो आप आसानी से फुटप्रिंट प्राप्त कर सकते हो, अपने बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेगा, एक होगा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें बीच में थोड़ा सा गैपिंग होगा, और थर्ड टाइप का इसमें को बहुत ज़्यादा गैपिंग होगा, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे छूटा हुआ भी हो या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इस तीन तरह के होते हैं, तो हम जानते हैं कि करके कैसे कैसे रिजल्ट मिलेंगे। टाइप वन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें मतलब कि आपके जो आर्च है वो लो पे सेट हो, दैट इज यू आर ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी, आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा होगी, और आप एक ऐश आराम भोग विलास से जीवन व्यतीत करना बेहद पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते होंगे उसके प्रति, और जीने में जैसे कि जो लोग जो काफ़ी हायर पोस्ट पे होते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके ऐसे अक्सर पैरों में पाया जाता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में दोस्तों ऐश आराम भोग विलास और तरह तरह के संसाधन उपलब्ध होते हैं, पर ये लोग थोड़े ऐसा क्या होता है कि ये लोग थोड़े आलसी किस्म के होते हैं, मतलब करना नहीं चाहते, इनको बाय द बर्थ वो सब चीज़ें मिलती हैं, ऐश आराम भोग विलास, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन लोग साथ होता है, लेकिन थोड़े थोड़े अतिवादी होते हैं, मतलब अतिवादी क्या, अगर जो काम करने लगेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, कभी कभी ये चीज़ उनको प्रॉब्लम में डाल देती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी क्वालिटीज़ हैं। अब हम टाइप सेकेंड की बात कर लेते हैं, डैट मीन्स कि अगर आपका फुटप्रिंट अगर आप लगाते हैं तो आर्च जो है वो थोड़ा मीडियम पे सेट है, तो इसमें क्या होता है नॉर्मल आर्च बनता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, इन दोनों की अपेक्षा ये लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं, इन दोनों के ही गुण इनमें होते हैं, लेकिन इनको कहा जा सकता है ऐसे लोग बैलेंस होते हैं। इनको अप्रोच इनकी क्रिएटिव बहुत होती है, ये आलस उतना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू आपके दूसरे चक्रा भी देखने पड़ेंगे या आपकी हथेली या एस्ट्रोलॉजी को भी देखना पड़ेगा। फीलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन, मतलब अगर ये लोग फीलिंग्स को तवज्जो ना दें ऐसा हो ही नहीं सकता, फीलिंग इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये थोड़े प्रोफेशनल किस्म के होते हैं व्यक्ति, पर ये थोड़े फीलिंग्स को, लोगों की इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनके लिए कार रिव्यू बहुत करते हैं, और ये एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर आपके साबित होंगे, और इनसे इनसे पूछे जिंदगी का मजा कैसे, अगर इनके पास पैसा एक अच्छे मात्रा में आ जाए तो अच्छे से बहुत ज़िंदगी बिताते हैं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं ये लोग, और ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ये बहुत इनकी बैलेंस अप्रोच होती है, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से पाना चाहते हैं। और अगर हम मान सम्मान की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, तो इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होती है,
मान सम्मान भी अच्छा मिलता है। जैसे इनको तो बाय द बर्थ ही ये चीजें मिल जाती है, लेकिन इनको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है टाइप सेकंड वाले में। और इनकी एक खास बात है, इनका दिल बहुत ही बड़ा होता है और मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होता है। अगर वीकनेस की बात करें तो इनके लाइफ में जो भी चीजें आती हैं मतलब उनको थोड़ा सा टाइम लगता है उससे ओवरकम करने में, क्योंकि मान लीजिए कोई समस्या है, किसी से फीलिंग रूप से इन्वॉल्व है, तो आप जानते हैं कि अगर फीलिंग इनमें ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको ओवरकम करने में, मतलब उससे उभरने में व्यक्ति को। तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप का फुटप्रिंट होगा, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई आर्च पे सेट है आपका पैर, मतलब एकदम ऊपर की ओर है लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा कि ये लोग हर चीज़ ओवर में करेंगे, मतलब अतिवादी ये भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो अतिवादी होते हैं पर उनमें कुछ खासियत भी है। ये लोग अतिवादी होंगे, इनके लिए फीलिंग्स बेहद ही कम इम्पोर्टेंट है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के होते हैं लाइक मतलब क्रिएटिव जो गुप्त रूप से क्रिएटिव, जैसे लाइक अ हैकर, वो इस तरह के फुटप्रिंट वाले लोग हो सकते हैं। और एक खास बात है, ऐसे लोगों की क्रिएटिव स्किल्स ज़्यादा तो होती ही है, लेकिन मूलाधार चक्र और जो बेसिक नीड्स होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है। ये लोग ग्रेट थिंकर होते हैं, ये लोग जीवन में बेसिक चीज़ों को लेकर जद्दोजहद कर सकते हैं। इनका मन बहुत चंचल होता है, मतलब बहुत ही, जैसे कि अगर इनको लस्ट आ रहा है या इनको जीवन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ों के लिए गलत रास्ता भी चुन सकते हैं ऐसे लोग। और एक तरीके से ये लोग एक वीकनेस ये होती है कि ये लोग इनबैलेंस होते हैं, इनको एक चाहिए कि अपना मून स्ट्रांग करें। तो धीरे धीरे जिसका मून स्ट्रांग होगा वो अपने आप से बैलेंस रिजल्ट शो करेगा। तो ये थ्री टाइप के पर्सनालिटीज दिखाता है, और ये थी सोलिटरी साइंस जो हम लोगों के बारे में फुटप्रिंट्स के बारे में क्या बताती है। आगे किसी और टॉपिक पे अपग्रेड एस्ट्रोलॉजी के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, स्टे होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।